गोरखपुर आप्स एवं गायनिक सोसाइटी के तत्वाधान में 2 से 4 अगस्त तक गोरखपुर में सुरक्षित मातृत्व सेविंग मदर्स पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर साधना गुप्ता ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में यूके, बांग्लादेश, नेपाल व समूचे भारत के प्रत्येक भाग से विशेषज्ञ अपने तकनीकी और नवीनतम ज्ञान से प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि सेविंग मदर पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में शिशु एवं मातृ के मृत्यु दर में कमी आएगी और चिकित्सक नई तकनीक ज्ञान प्राप्त कर मरीज को उचित इलाज करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर साधना गुप्ता ने बताया कि अल्ट्रासाउंड के नए आयामों का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सुरीता करीम, डॉक्टर बबीता शुक्ला, डॉक्टर मधुबाला मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आप्स एवं गायनिक सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर साधना गुप्ता ने कहा, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों से संवाद कर चुके हैं कि आगामी 2 से 4 अगस्त को गोरखपुर प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों की संस्था गोरखपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी फॉक्सी नेशनल जो फेडरेशन है ऑब्स गायनी की उसके तत्वाधान में और दक्षिण एशिया फेडरेशन ऑब्स गायनी के तत्वाधान में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है होटल रेडिसन व्यू में, जिसका मुख्य विषय तीनों दिन है सेविंग मदर्स, यानी कि माताओं का स्वास्थ्य और माताओं के संग नवजात शिशु का स्वास्थ्य। इस वर्कशॉप में, इस कॉन्फ्रेंस में करीब विदेश से करीब 50 लोग और अपने देश से करीब 500-600 लोग जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं भाग लेंगे। हम लोग इसमें सेविंग मदर्स यानी कि मातृत्व और माता और नवजात शिशु और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए जो भी नवीनतम तकनीकें और जो विशेष स्पेशलिटीज़ डेवलप हो रही हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे कि मैटरनल फीटल मेडिसिन जिसमें गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को लेके बहुत गंभीर विवेचन किया जाता है, विभिन्न तकनीकों विभिन्न इन्वेस्टिगेशन का हम किस तरह से उनके स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्रिटिकल केयर, ये गर्भा लोगों को समझना ज़रूरी है कि गर्भावस्था में 10-15% महिलाओं को कुछ लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जो जीवन के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं ऐसी जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे झटके आना, बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पीलिया होना, समय से पहले बच्चे होना और बहुत ज़्यादा गर्भ खून की कमी होना। तो ये भी इन औरतों को, इन महिलाओं को क्रिटिकल केयर यानी इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत होती है और विषय के लोगों को और विशेषज्ञ के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इस विषय पे क्रिटिकल केयर ऑब्स्टेट्रिक्स हम लोगों के यहाँ वर्कशॉप हो रही है और लेबर रूम इमरजेंसी की प्रसव प्रसूति गृह में अचानक कोई भी जटिलता होती है तो हमारे डॉक्टर्स किस तरह से उनको अच्छी तरह से मैनेज करें। इसके अलावा फॉक्सी के करीब 10 या 12 पास्ट, प्रेजेंट, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं जो अपने अपने संभाषण देंगे, अपने अपने कीनोट एड्रेस देंगे। अकादमिक संस्थाएं जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी और विभिन्न देश के मेडिकल कॉलेज के हेड्स, एम्स के हेड्स इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो कि बताएंगे कि टर्शरी केयर, मेडिकल कॉलेज और टीचिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोगों को अभी भी किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कि हम माताओं की स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकें। ये इस परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन कि पहली बात, भारत दुनिया की 22% मातृत्व मृत्यु को कंट्रीब्यूट करता है। अगर दुनिया में जितनी मृत्यु हैं माताओं की गर्भावस्था के दौरान होती हैं उसमें 22-25% कंट्रीब्यूशन इंडिया का है और अगर हम साउथ एशिया को करें तो ये करीब 35% तक जाता है। दूसरा बात है कि उत्तर प्रदेश, अगर हमारे पूरे देश में मातृत्व मृत्यु दर अगर करीब 160-170 है तो उत्तर प्रदेश में वो अभी भी 200 से ऊपर है। तो ये सम्मेलन इस दिशा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी स्टैटिस्टिक्स, हमारी जो मातृत्व और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की जो स्टैटिस्टिक्स है वो पूरे देश से, खासतौर से दक्षिण भारत और पश्चिम भारत, वेस्टर्न महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत पीछे है और हम लोगों को इस दिशा में
बहुत एग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेट्स की इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। ये केवल मेडिकल केयर का प्रश्न नहीं है, और इसी के लिए इसमें हम लोगों ने 2 या 3 लोगों को सम्मिलित करके प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे कि 4 तारीख को सुबह 6:30 से 7:30 बजे हम लोगों ने प्रशासनिक लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को और शिक्षाविदों को बुलाया है अपने प्रोग्राम में, जिससे कि हम लोग इन विषयों पर जागरूक कर सकें, क्योंकि हर जना को पता होना चाहिए कि मातृत्व और बच्चों की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, ये केवल हेल्थ सिस्टम का काम नहीं है। और इसके जो संचालन है डॉक्टर सुरीता करीम और बबीता शुक्ला करेंगी। एक हमने पब्लिक फोरम का आयोजन किया है, जिसमें हमने विभिन्न लॉयर्स, खासतौर से जैसे कंज्यूमर फोरम्स, क्रिमिनल कोर्ट, आप मीडिया के लोग और शिक्षाविदों को इन्वॉल्व किया है, कि हम लोग जिसका एक इमोशनल रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, उसके पीछे उसकी क्या जटिलताएं हैं उसको लोग समझें, और एक संवेदनशील और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें और अपना कॉन्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि सेविंग मदर्स केवल शिक्षा, केवल चिकित्सा नहीं है, उसके बहुत से सामाजिक और स्वास्थ्यकर पहलू हैं, और स्त्रियों की लाइक समाज में क्या स्टेटस है, ये चीज़ बहुत दूर तक जाती है। तो हम सब आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में सब लोग इस पर आएँ, उसको सफल बनाएं, और उसमें जो भी विचार विमर्श होता है और जो भी आगे के पॉइंट्स आते हैं कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए, उससे हम इसका पूरी तरह से लाभ ले सकें।